हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी, आज का जो ब्लॉग है वो सुबह से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सुबह का बजा है अभी 5, तो मैं जगी थी 4 बजे और अंकित भी आज 4:30 बजे मेरे साथ जग गया है। तो मैं नीचे का काम ऊपर का सारा करके, तो अंकित बना रहा था मेरे लिए चाय, तो मैंने कि चलो इतने में सब्जी कट कर देती हूँ। और बाहर काफ़ी अंधेरा है, मैंने दिखाया आपको, और मेरे भगवान जी अभी सोए हुए हैं। तो बस अब मैं नहाने जा रही हूँ और नहा के फिर मिलेंगे आपको। तो मैंने सोचा इतने मेरी चाय ठंडी हो गई तो मैं सब्जी को कट कर देती हूँ। तो क्योंकि लंच में बनाऊँगी आज मैं, अंकित जाएगा कॉलेज, तो ये काशी फल की सब्ज़ी अच्छे से खटाई वटाई डाल के हम बनाते हैं गरम मसाला, तो बहुत ही पराठे के साथ खाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो बस अब नहा कर आ गई हूँ मैं, और नहा के ही मंदिर में हम प्रवेश करते हैं। कभी मैं बिना नहाए मंदिर में कभी भी नहीं घुसती हूँ, तो मैं अपने कान्हा को इस टाइप से जगाती हूँ। कभी मैंने दिखाया नहीं, तो आज दिखाती हूँ मैं कैसे दिनचर्या अपने कान्हा की होती है, कैसे जगाती हूँ सुबह में। तो मैं इस टाइप से कान्हा को सुबह में जगाती हूँ और अच्छे से, बहुत मतलब एक मतलब अंदर से लगता है कि हाँ सो के अभी जगे हैं। और पानी पिला देते हैं, तो पानी पिलाने के बाद में बस अब राधा रानी को जगा लेते हैं। तो अब बारी है राधा रानी की, तो राधा रानी जग जाइए, मेरी किशोरी जी जग जाइए। तो किशोरी जी को जगा दिया है और मुँह को पोंछ देते हैं अच्छे से, और कमर को थोड़ा सा सहला देते हैं। तो बस जी, पानी पिला देते हैं अपनी राधा रानी को, और अब ये सारे बर्तन होंगे साफ, क्योंकि ये कल के पूजा के बर्तन हैं। तो बस दोनों को जगा के बिठा दिया है, थोड़ी देर बैठेंगे। और अब मैं मंदिर को कर लेती हूँ साफ, मंदिर को सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, क्योंकि आज है वीरवार और 6 अप्रैल है। और आज बता दूं आपको, पूर्णमासी भी है। तो पूर्णमासी की आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत खुशियाँ। तो जी, ये बर्तन मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं, और गंगा जल थोड़ा मिला लेते हैं, पानी जम ताज़ा लेके आए हैं नीचे से नलके से। मैं आरओ वगैरह का पानी नहीं लेती हूँ, गोपाल जी को जब मैं पूजन के लिए नहलाती विलाती हूँ, ताज़ा पानी लेके नीचे से आती हूँ। और पहले मतलब जो मेरी थाली है छोटी, उसमें सातिया बना के फिर अपने दीपक को वहाँ रखते हैं, और एक सातिया बना लेते हैं अपनी लुटिया पे, जो हमारी तांबे की छोटी लुटिया है जिससे हम जल देते हैं सूर्यदेव भगवान को। तो याद रखिए, सूर्यदेव भगवान को जल हमेशा पीतल के बर्तन से ही, तांबे की लुटिया से देना चाहिए। और ये है, थोड़ा आज एक्स्ट्रा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिब्बे खाली थे, तो उनमें जैसे ही सामान ख़त्म हो रहा था तो वो हम भर के रख देते हैं, जो एक्स्ट्रा सामान हम लेके आते हैं तो जो स्टोर करके रखते हैं वही अपना, जैसे ख़त्म होता है तो बीच में यूज कर लेते हैं। तो यही मैं डिब्बों में डाल रही थी, क्योंकि आज वीरवार है तो कपड़े नहीं धुलेंगे और पोंछा वगैरह भी नहीं लगेगा। तो फिर पापा लेके आए थे ये मावा, तो ये मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू मावा डाल के। और बेसन को मैंने अच्छे से भून लिया, और अब अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो मेरे पापा आते हैं जब बहुत सारा सामान भी लेके आते हैं, और पापा ये खोआ मेरे लिए लेके आए थे, मैं व्रत थी नवरात्रि का तब, तो ये फ्रिज में रखा हुआ था। तो आज इसका नंबर आ गया, तो मैंने लड्डू बना दिए, बच्चों खा लेते हैं सुबह लंच वगैरह में। तो जी, अब ये जो साबुन वगैरह की मेरी बास्केट हैं, 2 बास्केट मैंने बना रखी हैं इधर, जो
ये कपड़ा धोने वाले साबुन, बर्तन वाले साबुन, एक में मेरे हारपिक वगैरह है, बाथरूम क्लीनर है, जो भी है वो इधर रखती हूँ बड़ी बास्केट में, और छोटी में ये मैंने साबुन सारी एडजस्ट करके रख रखी हैं। इतनी साबुन मतलब ये है कि एक दो महीने हम ना भी जाएं, सामान राशन का नहीं भी आए तो भी मेरा चल जाएगा, इतना एक्स्ट्रा होता है मेरे पास। तो बस ये आज एक्स्ट्रा सा काम है जो वीरवार को किए जाते हैं। तो जी इसमें थोड़ा सा देख रहा होगा, वाशरूम का विधि थोड़ा सा सूट कर रही थी, तो इसके लिए सॉरी, इग्नोर करिएगा, क्योंकि आप सोचोगे वाशरूम का कैसे इधर से आ रहा है। तो जी थोड़ा सा इसमें आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैं कर रही हूँ काम, तो विधि कर रही थी वीडियो सूट, तो इसलिए। तो अब अच्छे से देखो कितना कूड़ा निकला है इसमें।